नमस्ते, सतीश मकरन इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। ये जो ये फुटर तो नहीं बोल सकते हम इसे, ग्रोसरी स्टॉल बनाया हमने। तो ये मोबाइल कैंड ये गाड़ी अपना कौन सा है, कैंपर है, महिंद्रा कैंपर है। इस पर पहली बार हमने ऐसा एक ग्रोसरी स्टॉल बनाया है। तो इसके आप मालूम इसके बारे में थोड़ी मालूम देते हैं तो देख लीजिए। ये स्लाइडिंग काउंटर है। इसके बाद ये घड़ी वॉच का एक डिस्प्ले है, जो आप घड़ी बेचने का एक डिस्प्ले है। डोर है गाड़ी के पीछे की बॉडी के साइड में, हमने एक पूरा ऐसे डिस्प्ले बना दिया है डोर के ऊपर, क्योंकि आप छोटी छोटी लड़ सकते हैं आप यहाँ पे आपका सामान लगा। ये अंदर नॉर्मली आप यहाँ पे पानी का टंकी का जो ये जगह है, इसके लिए हमने क्या किया कि यहाँ स्टोरेज के लिए जगह कर दिया है। आपके बहुत सारे इंतजार चीज़ें है, ग्रोसरी बारी बारी चीज़ें जिसके अंदर पूरा वो स्टोरेज सीलिंग का यहाँ पे जगह की व्यवस्था की है। बाकी ये जो एक गहना मंगलसूत्र जो रहता है आर्टिफिशियल, उसके अटकने के लिए हमने यहाँ पे ये सेटअप बनाया। नॉर्मल ये भी डिस्प्ले यहाँ पे, यहाँ पे आप सामान रख सकते हैं आपका। ये एक रैक यहाँ पे कॉर्नर में और एक रैक वो कॉर्नर में। जो कि ये इसकी जो ओनर है सर जराड़ सर, जो कि यहाँ के अहमदनगर के हैं, वो एक्चुअली रिटायर है। और इसलिए ये जब यानी कि बिजनेस बहुत मायने रखता है। अभी वो सर से बात करेंगे अपन कि इन्होंने रिटायर होने के बाद ऐसे इनके मन में ऐसे क्यों ये ख्याल आया कि ऐसा कुछ बिजनेस कारोबार करना चाहिए। सर वेलकम सर, आइए। नमस्ते। नमस्ते सर, ये मिस्टर जराड़ सर, इनका ये यानी कि ग्रोसरी वैन है। अभी वही बताएंगे कि इनके यहाँ कैसे इन्होंने क्या सोचा था। नमस्ते, मैं राजेंद्र जराड़ निवासा अहमदनगर जिला महाराष्ट्र से बोल रहा हूँ। मुझे रिटायर होके 3-4 साल हुए, तो एक साल तो घर में बैठे बैठे ही मोबाइल देखकर टीवी देखकर बहुत बोर हुआ, तो मैंने सोचा कुछ तो भी करना चाहिए। 3 साल पहले मैंने यूट्यूब पर सतीश भाई का वीडियो देखा है। यूट्यूब पर 2-4 वीडियो देखे, मुझे ये कंसेप्ट बहुत अच्छा लगा कि चलती फिरती गाड़ी में फूड ट्रक फूड वैन बनाते हैं वो, और बहुत बढ़िया पूरे इंडिया में से लोग यहाँ आते हैं। कोई ओडिशा से, कोई गुजरात से, कोई MP से, कोई गोवा से, कोई दीव दमन से, बहुत सारे फूड ट्रक वाले यहाँ सतीश भाई के यहाँ बना के लेके जाते हैं और अपना अपना व्यापार अपना अपना धंधा करते हैं, अपना पेट पालते हैं। और बहुत ही सस्ते दामों में अच्छे रेट में और जैसा सपना सोचा था वैसी गाड़ी वो बनाते हैं। वो तो मैंने 3 साल पहले उनके पास आके गया, तो बोले झेंपी भी मैं बनाऊंगा, कौन सी भी गाड़ी लाओ उनके पास तो वो कौन सी भी गाड़ी बना सकते हैं। तो उनका मालेगांव में श्री समर्थ इंजीनियरिंग एंड शॉप है, और वहाँ सतीश फूड ट्रक प्रोडक्शन हो जाता है। तुम्हें जैसी गाड़ी लगती है, फूड वैन हो, ग्रोसरी वैन हो, कटलरी वैन हो, बेंजो गाड़ी हो, कौन सी भी गाड़ी वो बनाते हैं और तुम्हें जैसी लगती है वैसी गाड़ी वो बनाते हैं। तो मैं 3 साल पहले आके गया था, उनको कंसेप्ट मेरा उनको बताया, मेरे दिमाग में वो चक्कर चल रहा था। तो उसमें 2 साल में कोरोना आ गया, कोरोना होने के थोड़ा सिर सवर होने के बाद मैंने ये गाड़ी ले ली, उनके पास लाई, और जैसे मैंने सोचा था जैसा डिज़ाइन उनको मैंने
सुझाव कर दिया तो उससे भी बढ़िया, ज़्यादा बढ़िया गाड़ी मेरी आज बन के तैयार हो गई है। ये सब आप देख रहे हैं, ये कटलरी सामान, ग्रोसरी सामान, कपड़ा, मेकअप के सब सामान, जैसा जैसा सीजन आएगा वैसा वैसा सामान यहाँ हम रखेंगे और एक हमारा थोड़ा टाइम पास भी होगा और दो पैसे भी मिलेंगे। नए बिजनेस के लिए हमारी तरफ से ढेर सारे शुभकामनाएं है। और हमारा सतीश फूड ट्रक नाम से यूट्यूब चैनल है, आगे चल के बहुत सारे तो कॉमन है, फूड ट्रक बन रहे, ग्रोसरी बन रहे और अलग अलग टाइप में, अभी जो आप जैसा बोलेंगे वैसे आपको हमारा हमारे पास से आपको गाड़ी हम बनवा देंगे। तो हमारे चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए और आगे आने वाले बहुत सारे वीडियो भी आएंगे वो भी देखते रहिए। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सभी आपके कारीगरों का भी बहुत बहुत धन्यवाद, सभी ने मेरे गाड़ी के लिए बहुत ही बहुत दिल से दिमाग से बहुत सारा योगदान दिया, तो मैं सभी का धन्यवाद करना चाहता हूँ।